27 जयंती और वनोपज के 2562 जयंती के उपलक्ष्य में आए हैं। मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले मैं अभी निर्देश विद्यालय में पीएचडी कर रहा हूं, तो मैं निर्देश विद्यालय के बारे में एक बात बोलूंगा कि निर्देश विद्यालय में इन दिनों एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 7 लाख है और पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर, एमफिल पीएचडी से नेशनल पर अप्लाई कर जाते हैं, तो 7 रोज की लास्ट डेट है, ये पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो प्लीज जल्दी से अप्लाई करें। दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर आए हैं, ये सब शिक्षा की वजह से आए हैं, तो मेरा आप सभी से योगदान है कि हमें शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना पड़ेगा। बाबा साहब के जो तीन जो बहुत बड़े शब्द शिक्षित बनाओ, शिक्षित बनाओ, संघर्ष करो, तो बाबा साहब ने जो पहला काम शिक्षा की ओर किया था, क्योंकि बाबा साहब समझते थे कि समाज की जो पहली कड़ी आगे बढ़ने की वो शिक्षा ही है, कि शिक्षा के द्वारा ही बढ़ सकते। बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षा से नहीं है महदूद है, जो पिएगा वो धारेगा। समस्या यह है कि हम बाबा साहब की बाबा साहब को उसको पूछ तो रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको वास्तविक अपने आचरण में उतार नहीं रहे। अगर बाबा साहब को हमें वास्तविक रूप से उतारना है और समझना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। और शिक्षा कौन सी शिक्षा? वह शिक्षा नहीं जो हमें स्कूल कॉलेजों में मिलता है, हमें शिक्षा लेनी है अपनी, जो भोजन शिक्षा, अपनी ग्रह शिक्षा, जो शिक्षा होती है, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यवहार को परिवर्तन करना, इंसान के व्यवहार को परिवर्तन करना। लेकिन हम उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जो इंसान के व्यवहार के साथ हमारा जो सामाजिक व्यवहार परिवर्तन करे, उसके लिए भोजन शिक्षा और हमारे जो महापुरुष नायक नायिकाएं हैं उन शिक्षा की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि हम बड़े बड़े पदों पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी क्या रहती है कि हम अपने जो अंबेडकर वाली शिक्षा और भोजन महाप नायक नायिकाओं की शिक्षा नहीं लेते हैं, जिससे हम शिक्षित होने के बावजूद भी हम उन्हीं कर्म कांडों में और उनके द्वारा बनाए गए कामों में फंसते जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ऐसी शिक्षा लें जो हमें अपने निर्माण करें, दूसरा अपने बहुजन समाज को आगे ले जाने की ओर हम कोशिश करें। क्योंकि हमने देखा है कि आज अभी एक ऐसा दौर आ रखा है कुछ सालों से कि पूरी तरह से एक समाज को धकेलने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ बहुजन समाज के अंदर अल्पसंख्यक भी जाता है तो पूरी तरह से दबाने की कोशिश करी जाता है। और दूसरा जैसे आज का टॉपिक है कि देश की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान समाज में दे हितों की इच्छा, सामाजिक हितों की इच्छा कैसे हो सकती है, इसके लिए सबसे पहले हमें जो बाबा साहब की दूसरी बात है कि हमें संगठित होना पड़ेगा। और जब हम संगठित होंगे और संगठित होने का संगठित होने के लिए सबसे पहले हमें बहुजन शिक्षा की शिक्षित होना पड़ेगा, तब हम संगठित होंगे। उसके द्वारा जब शिक्षित होंगे और बहुजन शिक्षित होंगे और संगठित होंगे, उसके द्वारा उसके बाद हम अगर संघर्ष करेंगे तो वास्तविक रूप से हम अपने जो अपने जितने भी हैं उनको पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि वास्तविक रूप से हम संगठित होंगे तो हम कुछ भी चीज़ अपनी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक मुझे लगता है कि हम कई बार हम सारे उद्देश्य पीछे इस वजह से हैं क्योंकि जो बहुजन और जो बाबा साहब और दूसरे जो नायक नायिका हैं हम उनके समक्ष जाते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन उनको हम अपने व्यवहार में उतारते हैं। तो क्या है, जब तक हमें इनको अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे हम अपने समाज की हितों की पूर्ति नहीं करेंगे। तो मेरा आप सभी से उद्देश्य है कि पढ़ने के साथ समझने के साथ हमें बाबा साहब के विचारों को अपने व्यवहार में उतारें। जब तक हम इनके अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही मेरी बात, ये मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को अगर ढंग से समझते हैं और खुद को ढंग से समझते हैं तो उसको अपने व्यवहार में उतारें, तभी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।